अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारे लेजेंड हदायतकार हसन तारिक साहब की बस्सी है और उनके शागिर्द उनके बच्चों की तरह उनके सधाए हुए सिखाए हुए हमारे मुल्क के नामवर आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शायद हमीद साहब तशरीफ फरमा है। आज उन्होंने उनके बरसी थी तो उन्होंने कहा चलो यार फिर आप कुरान खानी का एहतमाम करो और यहाँ सारे स्टूडियो में लंगर तकसीम करो। तो शायद साहब खुद तशरीफ फरमाए हैं, खुद आए हैं और सब में हमने यहाँ कुरान खानी कराई है और हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं जिसमें सारे फरिस्त मीरा बेगम तशरीफ फरमाए, चौधरी कामरान साहब डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के चेयरमैन आए हुए हैं, फयाज खान साहब हमारे सीनियर प्रोड्यूसर्स, हमारे राइटर नामवर इशफाक काजमी साहब तशरीफ फरमाए, हमारे नामवर डायरेक्टर जलाल रिजवी साहब तशरीफ फरमाए और हमारे मुल्क के बहुत ही बड़े डायरेक्टर नामवर हसन अस्करी साहब तशरीफ फरमाए और इल्ताफ हुसैन साहब तशरीफ फरमाए और बहुत सारे नाम हैं जो यहाँ बैठे हुए इस वक्त। सब ने रोजा खोला है और सबकी मेहरबानी है कि वो लोग आए हैं और शायद साहब ने के बुलाने पे और सब लोग आए हैं और सब ने रोजा खोला है और दुआ हुई है, कुरान खानी हुई है, दुआ हुई है कि अल्लाह ताला हसन तारिक साहब की मकफ़रत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे और उन्हें अपनी जोहर रहमत में जगह दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शादी, कैसे हैं यार? आप लोगों ने रोजा खोल लिया सर? खोल लिया, खोल लिया सर। सब आप करें अपना काम। हाँ जी मुर्शिद, तो हम किसी चीज की जरूरत? ओके मीरा जी, आपने कुछ खाना पीना कोई मेरे साथ कोई तस्वीर बना के नहीं कहना कि ये वाहिद बंदा है जो मेरा अस्पताल। वीडियो है, पिक्चर है? बोले हमारे मुल्क के नामवर डीओपी आदिल अस्करी साहब मेरे साथ खड़े हैं माशाल्लाह। इस वक्त इन्होंने बहुत बड़ी सीरियल शुरू की है अम्मा जी के नाम से, उसमें कराची के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं और मैं भी नाचीज उसका हिस्सा हूँ। हाँ सर, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उसमें और अल्लाह इनको और इज्जत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।